इसको बाहर निकालते हैं। ओके ना भाई, है तो स्मूथ, प्यारी चीज़ है वैसे। अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ इस सेल्फी स्टिक, जो भी इसको आप कहो, इससे अगर आप बताओ थोड़ी सी बहुत स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है मोमेंट्स में, जो भी है। जय श्री कृष्ण गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज का प्लान देखो, पहली बार डिसाइडेड हुआ है कि आज मैं पहले जा रही गाड़ी बनवाने, मतलब गाड़ी की फुल सर्विस करवाने, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब ये ट्रैवल कर रही थी, कभी ऋषिकेश, जौनपुर, बनारस, तो लगातार ट्रैवल की है ना, और बहुत टाइम पहले सर्विस हुई थी, तो उसको पहले आज सर्विस करवाते हैं और उसको थोड़ा चकाचक करते हैं, क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ तो बहुत हैवी चल रही है आजकल, इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है भारी भारी गाड़ी में खींच रहा हूँ। तो आज पहला काम करवाते हैं, पहले गाड़ी बनवाते हैं, इसको सर्विस देते हैं, और फिर आज आगे की चीज़ जो जो होती जाएगी वो करते जाएंगे। तो चलो अभी यार पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करने, फिर मिलते हैं गाइस 2 मिनट को। ये बताओ कि गाड़ी को सर्विस देना कहाँ पे दें, फोर्ट में दें कि वहीं जहाँ बनवाते हैं वहीं दें? नॉर्मल सर्विस करानी है। हाँ नॉर्मल, फोर्ट में दे दो। फोर्ट में दे दें, कितना रुपए लगता है? गाइस मेरे को आज साइकिल मिली देखो, और इससे यार मैं निकलूंगा कहीं घूमने। भैया कॉल आ रही, भैया कॉल आ रही, भाई उठा उठा उठा, साइकिल से आ रहा हूँ मैं। ओ माय गॉड, अयोध्या जाना है क्या? चले जाओ भाई, किस्मत में अयोध्या जाना। तुम बेटा किसको कह रहे हो मुझे पता है, उधर तक मैसेज चला गया। तो गाइस आप लोग समझ रहे हैं, किस्मत की बातें चल रही हैं, तो गाइस अलर्ट हो जाएं, ये किस्मत के भरोसे रहते हैं, अपनी मेहनत पे उनका कुछ नहीं टिका है, सब किस्मत पे है। भाई सामने वाला मेहनत क्यों नहीं कर रहा है वो सामने वाला ही जानता है। साइकिल पार्क हो गई, तो आज इसी से थोड़ा टहला जाएगा, इसी से बाहर निकलेंगे और मस्त घूमेंगे इससे। भाई ऐसा भी नहीं है पूरा इसकी स्टीयरिंग स्टीयरिंग घूमती है, और भाई प्रॉपर इसमें देखोगे ना तो प्रॉपर देख रहे हो, पैडल वैडल सब है भाई, ऐसे कोई हलवा गाड़ी नहीं है ये, और प्रॉपर पैडल वैडल जो है ना इसकी घूमती उमती है भाई, प्रॉपर हर चीज़ अगर देखोगे ना तो इसमें सारी देखो, सीट एकदम लकड़ी की सीट है भाई, हैंडल पूरी प्रॉपर इधर उधर होती है, हर चीज़ है भाई इसमें, मस्त लग रही है। चलो वैसे यहाँ पार्क होती है तो उसको पार्क कर देना, अगर हमारे पास एक BMW भी है, ये देखो मस्त सी सेक्सी लग रही है भाई। और भाई इसका सबसे बड़ी चीज़ बताएं, ये देखो इसमें शॉकर भी है, ऐसे सब में होता है वैसे, अटैच्ड है इसमें ये पूरी, इसको पूरा स्क्रू ड्राइवर लगे खोलना पड़ेगा, लेकिन छोड़ो। और हमारे पास एक इससे बड़ी भी है, दिस वन, ये बड़ी वाली है, जिसमें अनमोल भाई का कहना है कि इसमें निकल देंगे अयोध्या। ये अच्छा अयोध्या जा करो क्या तुम? कुछ नहीं भाई, जा ही नहीं जाऊंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे, राम जी के ना, 22 जनवरी को चलते हैं, डन, राम मंदिर के उद्घाटन पे, इतने साल का सपना पूरा होगा गाइज। उत्तर प्रदेश में रहे हैं तो एक बड़ा ही भाग्य है ये भाई, राम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि नहीं वो तो भविष्य बताएगा, क्योंकि मैं ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करता, मेरे को नहीं पता मैं कि अगले महीने अगले क्षण क्या हो जाए मेरे साथ। तो चलो अभी बात करते हैं आपसे थोड़ा रुक के। ब्रेड बटर एंड टी, क्या हुआ भाई? बंद कर दो यार, गाड़ी के समय एकदम गंदे लगे हुए हैं, इतनी हैवी गाड़ी चल रही है ना। कोई नहीं, हाय डडो, चलो गाइस। अभी गए थे गाड़ी को लेकर सर्विस के लिए, लेकिन पता चला कि मतलब जिन भैया के थ्रू हम लोग कांटेक्ट रखते हैं वहाँ पे वो है ही नहीं, और शोरूम में भी एकदम सन्नाटा हो रखा है। सो उनको कॉल किए और कह रहे हैं कि भाई सुबह आ जाओ, मतलब कल गाड़ी हम लेके वापस आ गए। अनमोल भाई को भी पीछे पीछे अपने दौड़ाए थे कि गाड़ी दे दूंगा फिर इनके साथ लौट लूँगा घर या जहाँ भी आगे प्लान होता, बट ये तो सीन हो गया, ये तो सीन हो गया गाइस, अब क्या किया जाए। सामने भाई रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, रश करते हैं, रश करते हैं, गर्ल्स ही नहीं है तो भाई मैं गर्ल्स की लड़ने बोल रहा हूं, कॉलेज में रश करते हैं ना। अच्छा अनमोल भाई तुम बताओ, तुम्हें स्कूल अच्छा लगता था कि कॉलेज? स्कूल भाई। स्कूल में क्या सीखा तुमने? दोस्ती। दोस्ती सीखी। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था,
स्कूल में मैंने उतना कुछ नहीं सीखा। दोस्ती तो वहाँ पॉइंट गलत नहीं है भाई, दोस्ती तो सीखे ही है, सब सीखे हैं। बट वहाँ पे तुमने एक चीज़ कमी नहीं नोटिस की, वहाँ पे आपके टैलेंट को दबाते हैं। स्कूल में प्रायोरिटी किसको दी गई है सबसे ज़्यादा? पढ़ाई और डिसिप्लिन, दो चीज़। अगर तुम्हारे अंदर सिंगिंग की कला है, तुम म्यूजिशियन हो, तुम डांसर हो, तुम एक्टर हो, स्कूल तुम्हारे एक बात नहीं कर रहा, तुम कुछ नहीं उनमें से, हमें पता है, लेकिन फिर तुम स्कूल वालों की नज़र में कुछ नहीं हो। अगर तुम टॉप कर रहे हो क्लास में, तुम भाई दुनिया में फाड़ दोगे जिंदगी में, ट्रेन छूट रही है। इसका हमें नहीं पता भाई कि इसका स्कूल को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है या दूसरों का क्या है। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। देखो, स्कूल कोई बुरी जगह नहीं, वहाँ पे आपको दोस्त मिलते हैं, वहाँ पे आपको फैमिली मिलती है, एक आपका रिश्ता बनता है बड़ा अच्छा। लेकिन भाई स्कूल में ना आपको सिर्फ डिसिप्लिन और पढ़ाई पे ही फोकस देंगे। अगर आप कोई आर्टिस्ट सुना तो आपको कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। आप तो जितना करो भाई, वहाँ पे आप बहुत बेहतरीन भी गाना गाते होगे, बहुत बेहतरीन डांस करते होगे, एक्टिंग जबड़ तोड़ करते हो, कोई इज्जत नहीं आपकी भाई। एक साइंस टीचर बता दो मेरे को, एक मैथ्स टीचर बता दो जो सामने से आके आपकी कला को अप्रिशिएट करेगा, कहेगा बेटा तुम मैथ पढ़ाई सब छोड़ के तुम इसमें जाओ, नहीं करेगा भाई। ये स्कूल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है स्कूल से, लेकिन चीज़ें हैं कुछ। तो भाई जब तक उस बाउंड्री से बाहर नहीं आओगे ना, मतलब रूल्स नहीं तोड़ोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो प्लान करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं। अंकल जी जा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान करने का मन है। सॉरी गाइस। चलो गाइस पहुंच गए। आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देता हूं मैं। लग जाएगी भाई, मजाक में लग जाती है। अरे और लग जाएगी आज तुम्हारा नंगा दनंगा वो है भाई, लग जाएगी किस बात से? अबे लग जाएगी लग जाएगी। चलो गाइस, तो अभी कुछ फ्रेंड्स आए हैं भाई, उनसे मुलाकात करते हैं। और अभी स्कूटी से चल रहे हैं, स्कूल से बड़म बड़म करके चलते हैं गाइस। एट द एंड कार से ही आ गए क्योंकि भाई ठंडी बहुत तेज लग रही थी, तो सोचा कार ही चलते हैं। लेट्स गो। ये देखो विजय को, पता नहीं कौन सा पोज दिखा रहा है, क्या करना चाह रहे हो भाई? विजय भाई वेलकम। अरे यार क्या हो गया? मिल गया भाई S23 4 Ultra। S23 4 Ultra। और भाई कहाँ थे आजकल? कितना महंगा, इतने दिन कहाँ थे भाई? मैं कहीं नहीं था भाई, अभी बस भगवान की सलाह हैं। कब से? ये देखो इन्फ्लुएंसर भी हमारे साथ भाई, ये सेलिब्रिटी लोग हैं यार, सेलिब्रिटी लोग हमारे साथ घूमते रहते हैं। बताओ मैम फोटो सेल्फी 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 सेल्फी। घर पहुंच गए गाइस। गाइस अभी घर आए तो एक पार्सल मंगवाए थे, वो आ चुका है। मतलब बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए किट मंगवाए थे अपनी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, तो उसको चलो अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। मतलब आप लोग को दिखाते क्या चीज़ है। तो किसी पहले नहीं, ये देखो पहले ही किसी ने इसको अनबॉक्स कर ही दिया है। तो अमेजोन से गाइस ये देखो मंगवा लिए थे, इसको रुको बाहर निकालते हैं। ये है छोटा सा गिम्बल, सेल्फी स्टिक जो भी समझो आप लोग। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, बाहर आओ बाहर आओ। ओके लो बाहर आ गया। तो ये है गाइस छोटा सा, ये कुछ आउटपुट, आउटपुट क्या होता है यार इसको, क्या बोलते हैं इसको? मैनुअल, हाँ भाई चाइनीज़ में मैनुअल लिखी होगी जो हमें घंटा नहीं समझ आने वाली, नहीं अंग्रेज़ी में भाई, नाइस अंग्रेज़ी में, गुड। चलो इसको फेंको बाहर में जाओ, अंदर कुछ और, इसको बाहर निकालते हैं। ओके ना भाई, है तो स्मूथ, प्यारी चीज़ है वैसे। चलो इसको सेटअप करके देखते हैं, फिर इससे व्लॉग करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ इस सेल्फी स्टिक जो भी इसको आप कहो, इससे अगर आप बताओ थोड़ी सी बहुत स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है मोमेंट्स में, जो भी है मेरे को नहीं पता कैसी चीज़ें दिख रही होंगी, अच्छी दिख रही होंगी बेकार दिख रही, तुम बताओ कैसा लग रहा है? मतलब ज़्यादा हिल उलना वाला सीन दिखा रहा हूँ, हिल तो नहीं रहा इतना, हाँ लो मतलब स्टेबिलिटी जो है। चलो लेकिन मेरे को जहाँ तक है
कि भाई स्टेबिलिटी अच्छी है, अच्छी खासी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ में जो फ्लैश लाइट है ना, वो अच्छी चीज़ वर्क कर रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को कई बार अंधेरे में शॉर्ट्स थोड़े गड़बड़ आते हैं, उसको अंधेरा करके देखता हूँ। वेट, हाँ बताओ कैसा आ रहा है। तो ये जो अंधेरे में शॉर्ट्स होता है ना, अच्छा और अंधेरा, रुको भाई इसको भी बंद कर दे रहा हूँ। अरे बंदो, अच्छा आ रहा है। Yes. तो ये जो अंधेरे में शॉट ना, मेरे साथ बहुत दिक्कत होती है कि अंधेरे में मतलब प्रॉपर शॉट नहीं ले पाता हूँ, ये तो ये शायद हेल्प कर देगा मेरे लिए। तो यस इट्स गोइंग गुड, तो इससे अब ब्लॉक किया जाएगा और इससे आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे सिनेमैटिक्स भी दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ बहुत शेक होते थे तो उसके कारण से सिस्टम अच्छा नहीं होता था। मैं जानबूझ के मूवमेंट के साथ बात कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी स्टेबिलिटी भी चेक कर लूँ और चीज़ हो जाए। चलो ओवरऑल ठीक इन्वेस्टमेंट है, क्यों ठीक है, मतलब काम चला हुआ है भाई, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, मेरा हाथ भी देखो पेन नहीं हो रहा इतना। चलो लाइट जलाता हूँ, चलो शॉट्स देखता हूँ कैसे आया पहले, ठीक है। तो गाइस अभी मैं टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ, चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है भाई बाहर की, लेट्स गो। हाँ भाई मतलब अंधेरे में भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त शॉट, कहीं भी मैं जाऊँ कहीं भी मैं कुछ भी करूँ तो अंधेरे में भी मेरे को शॉट्स दे देगा ये अच्छे, मतलब एक काम चलाओ जिसको शॉट्स बोलते हैं ना, वो काम मेरे को मिल जाएगा, तो उसकी सीन नहीं है और प्रॉपर अच्छा से अब इससे किया जाएगा ब्लॉग कुछ दिन, थोड़ा बहुत सिनेमैटिक कोई है तो नहीं भाई, नहीं कोई नहीं है मेरे को लगा कोई है, ठीक है गाइस। तो अपना सिस्टम मस्त हो गया, इसी का भाई मुझे इंतज़ार था कि ये एक चीज़ लाइफ में आ गई तो थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिल जाएगा, मतलब क्योंकि मेरा हाथ पैर सब दर्द होता है, क्योंकि मैं इस समय अपने शीशे में देख रहा हूँ एकदम परफेक्ट शॉट आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब से इसी से व्लॉग होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो आज की टेस्ट इतनी थी भाई, अच्छा लगा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो एट द एंड भाई सोच रहा हूँ ये पे एंड भी करता हूँ व्लॉग, क्योंकि सारी चीज़ें तो हो गई हैं। तो यस देखो आई होप कि आज का दिन जो भी था, मैं घूमा चिरा घूम चल रहा मेरा, देखे मजा आया होगा। वैसे क्या था, कल जाएंगे गाड़ी बनवा देंगे, क्योंकि कल बुलाया है तो कल जाके गाड़ी वाड़ी दे देंगे, गाड़ी वाड़ी बन जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं फिर से अगले व्लॉग में, तब तक जय श्री कृष्णा।